अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन के एक टॉपिक को यहाँ समझने जा रहे हैं, जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन के लेक्चर नंबर 4 को यहाँ समझने जा रहे हैं, जिसमें हम लार्ज इंटेस्टाइन से आज के इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। याद रहे लेक्चर नंबर 3 में हमने जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन आईलियम तक हमने जो है वो डिस्कस किया था, और आज के इस लेक्चर में हम लार्ज इंटेस्टाइन से इस लेक्चर का आगाज करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिनबोट टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन से। तो यहां हमने कहा कि लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन को हम 3 हिस्सों में जाकर डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा कहलाता है सीकम, दूसरा कहलाता है कोलोन, और तीसरा कहलाता है रेक्टम। तो डायग्राम से रिलेटेड मैं आपको बताता हूं कि सीकम, कोलोन और रेक्टम क्या। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो यहां जाकर क्या हो गई, एंड हो गई, और यहां से अब लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट जो है वो क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट शुरू हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग पार्ट जो शुरू हो रहा है, उसे हम कहते हैं सीकम। ये सीकम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला डायलेटेड पार्ट है, और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पर एक वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। क्या कहते हैं इसे हम? वर्मी। वर्मी फॉर्म का मतलब वॉर्म लाइक, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहलाता है ये। अब ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है, ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पे। सीकम के बाद आ जाता है कोलोन, सीकम के बाद आ जाता है कोलोन। अब कोलोन का जो है ना, अब देखो खाना यहां से ऊपर जाता है, ऊपर जाने को कहते हैं असेंडिंग। क्या कहते हैं? असेंडिंग। तो इसके बाद जो है ये कोलोन वाला पार्ट है, जो कि असेंडिंग कोलोन कहलाता है। फिर खाना जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है, तो राइट से लेफ्ट जाने को कहते हैं ट्रांसवर, तो इसीलिए इसे कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स कोलोन। फिर खाना जो है वो नीचे की तरफ आता है, जिसे कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। और फिर इसका एंडिंग वाला जो पार्ट है, ये सिग्मोइड कोलोन कहलाता है, जबकि हमारी बुक में सिग्मोइड कोलोन का अलग से डिस्कशन में शामिल नहीं है। फिर कोलोन के बाद आ जाता है रेक्टम, रेक्टम के बाद एनल कैनाल के जरिए, एनएस के जरिए जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है, अनडाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस जो है वो क्या होते हैं, बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो अब यहाँ आ गए हैं कोलोन। तो कोलोन में हमारे पास ये है असेंडिंग कोलोन। क्या है ये? ये असेंडिंग कोलोन है। ओके, ये असेंडिंग कोलोन हो गया। असेंडिंग कोलोन के बाद आ जाता है ट्रांसवर्स कोलोन, जो एक जगह से दूसरे को ले गया। तो मैं यहां इसको यहां कर लेता हूं ना, यहां से लेबल कर लेते हैं। चले भाई, ये हो गया ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। और ट्रांसवर्स कोलोन के बाद फिर खाना जो है वो नीचे की तरफ आता है, तो उसे कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। ये हो गया डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन हो गया। डिसेंडिंग कोलोन के बाद जो है वो खाना यहां आ जाता है सिग्मोइड कोलोन में, सिग्मोइड, ये हो गया सिग्मोइड कोलोन। और फिर इसके बाद जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रेक्टम में जाकर क्या होता है, स्टोर होता है। वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रेक्टम में जाकर जो है वो स्टोर होता है। रेक्टम जब फुल हो जाता है, तो फिर एनएस के जरिए ये खाना जो है वो बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। तो यहाँ हमारी ये डायग्राम जो है वो इस तरीके से तो मुकम्मल हो गई। पेपर में ये डायग्राम बनानी है, 4 लेक्चर मुकम्मल करके जितना भी नोट्स का मटेरियल है वो सारा आपने लिखना है, लॉन्ग सवाल है। और ऐसे ही अगर आप डायग्राम बनाते हो तो इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आइए हम सीकम की बात करते हैं। सीकम की अगर हम बात करते हैं, एट द जंक्शन ऑफ एलियम एंड सीकम द ब्लाइंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट विच इज नॉन एज वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। एक ब्लाइंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। इट इज अबाउट 18 सेंटीमीटर, ये तकरीबन इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर पर है। कोलोन की अगर हम बात करते हैं, इट इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स आपकी बुक के मुताबिक, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन खाना ऊपर ले गया, ट्रांसवर्स कोलोन एक राइट से लेफ्ट साइड पर, डिसेंडिंग कोलोन जो है वो नीचे की तरफ। और MBBS में जाओगे तो इंशाल्लाह सिग्मोइड कोलोन के बारे में भी पढ़ोगे। ओके, यहाँ तक हो गया। फिर आ गया रेक्टम।
इन द रेक्टम अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड एंड पास आउट थ्रू एनस। और अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो रेक्टम के अंदर जाकर, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो रेक्टम के अंदर जाकर जो है वो स्टोर होता है और एनस के जरिए क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। फिर हमने नोट करके कहा द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब वाटर वाइटामिन्स। लार्ज इंटेस्टाइन का जो काम है वो क्या करना है, पानी को एब्जॉर्ब करना है और साथ ही साथ जो है वो वाइटामिन्स वाली चीज़ों को भी एब्जॉर्ब करना है। तो यहाँ जाकर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मेन का लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।